तो खाना लेके गया था, हम वहां जाके बच्चों को खिलाया, कहिया मारा पीटा क्या, मारने के टाइम पे ही बताया था कुंडी में मार के डाल दिए। हमें तो सिर्फ फांसी चाहिए, फांसी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जैसे मासूम हमारे तड़फाए, हमें भी ऐसे फांसी चाहिए बस। जितना मैंने उसे प्यार दिया है, शायद उसे प्यार कोई उसके माँ बाप भी नहीं दे पाते, जो कातिल है, जो कातिल तीनों अब भी हमें धमकी देते ही जेल में से और मारने की धमकी देते ही, लेकिन हमें इतना डर है कि हम ताले लगा लगा के कुछ अपने घर पर सोते ही। 24/5/2019 दिन था शुक्रवार का। तीन बच्चे अचानक किसी घर से गायब हो गए थे। मैं उसी मकान के बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ हूं। इस मकान से बच्चे गायब होते हैं और अगले दिन तीनों बच्चों की लाश मिलती है। तीनों बच्चों की लाश यहां से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर गांव मिर्जापुर पड़ता है, उस मिर्जापुर के जंगल में मिलती है एक ट्यूबवेल में। बहुत छोटी सी कुंडी थी, उस कुंडी में लाश तीनों फंसी हुई थी। आज भी यहाँ पर पुलिस तैनात है सुरक्षा के लिए। जो बदमाश हैं, जिन बदमाशों ने इस क्राइम को किया, वो बदमाश लगातार इन्हें इस परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला फैसलाबाद में मौजूद हूँ। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में और जितने बदमाश हैं सभी बदमाशों की नाक में नकेल कसने का काम भी कर रही है, मगर फिर भी बदमाश हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मैं पूरा माजरा भी आपको बताऊंगा कि आखिर तीनों बच्चे किस तरह से गायब हुए और इन तीनों बच्चों की लाश जो मिली, उन तीनों बच्चों को जो मारने वाले थे उनके मामा और उनके चाचा थे, यानी वो बच्चे उनके सगे संबंधियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया था और इतनी बेदर्दी के साथ में उनकी हत्या की गई। जिसने भी उनकी लाश को देखा उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई, आंखों में से आंसू बहने शुरू हो गए। उन छोटे छोटे मासूम से बच्चों को जिनकी उम्र महज अभी 7 से 8 साल या 9 साल तक थी, दो लड़कियां थीं, दो बच्चियां थीं और एक बेटा था जो यहां रिश्तेदारी में आए हुए थे। उस दिन रोज़ा अफ्तार यहां पर करवाया जा रहा था। रोज़ा अफ्तार होने की वजह से तमाम जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे और यहाँ बच्चे खेल रहे थे और अचानक एक चाचा जो रिश्ते में लगता है और एक जो मामा लगता है वो यहाँ से उन्हें आइसक्रीम खिलाने के बहाने लेकर चले जाते हैं और बच्चे गायब हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह 6:30 बजे या 7 बजे इनके परिवार को ये सूचना मिलती है कि आपके जो बच्चे हैं वो लाश में तब्दील हो चुके हैं, उन बच्चों की बॉडी जो है वो एक कुंडी में फंसी हुई है, आके निकाल कर ले जाइए। परिवार यहाँ पर मौजूद है। 3 साल इस क्राइम को हो चुके हैं मगर आज भी जो आँख के आंसू हैं, जो माँ हैं वो रोते रोते परेशान हैं, जो बदमाश है वो उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं। चलो मैं बात करूँगा, एक बहन यहाँ बैठी है, ये सामने जो बैठी हैं ये बहन है। यहाँ जब आई थी तो रोज़ा अफ्तार की तैयारी चल रही थी, हंसी खुशी का माहौल था, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि आज इस घर में जिसमें खुशियां मना रहे थे लोग, रोज़ा अफ्तार के बहाने सब लोग इकट्ठा हो रहे थे, आज उस घर में मातम पसरने वाला है। ये है इनकी बेटियां थी, ये इस घर की बहू हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? बानो परवीन। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताइए, जिस तरह से बच्चे गायब हुए। या हम तो अख्तियार में लग रहे थे। हाँ। वो आया था, आके बोला नु के मुझे एक प्लेट में ट्रे में खाना दे दो, मैं अपने यार दोस्तों के लिए। तो मैंने कहा बिलाल ने। हाँ। तो मैं बिलाल कौन लगता है? बिलाल मम्मी ससुर का लड़का है, वैसे मामू लगता है। मामू लगता है। हाँ। तो खाना लेके गया था, हमें भी पता नहीं वो बच्चों के मारे खाना लेके गया है। हाँ। अब वहाँ जाके बच्चों को खिलाया कहिया, मारा पीटा करा कहिया, बच्चों के न खाया ना तो मारे, बच्चों ने ना खाया, बच्चों ने बच्चों को बहुत मारे, बच्चों को मार रहे थे, बहुत मारा। अच्छा, जैसे रोज़ा अफ्तार का दिन था तो बच्चे आपसे खाना वाना मांग रहे होंगे? हाँ, खाना मांग रहे थे, लेकिन हम खाना बना नहीं है, बाद में बना था, हमें देखा बच्चे है नहीं, गायब हो गए। अच्छा, नहीं, जब बच्चे आपसे खाना भूखे थे, क्योंकि उस दिन रोज़ा अफ्तार का जैसे दिन होता है तो बिरयानी वगैरह जैसी चीज़ बन रही थी, तो आपने शाम के लिए बोल दिया बच्चों से, भूखे ही चले गए वो, कहीं चले गए। हाँ, क्या कह के लेकर गया था वो उन्हें? चॉकलेट के और कोल्ड ड्रिंक के बहाने। हाँ,
चॉकलेट आइसक्रीम या कुछ भी ऐसा चीज के बहाने? नहीं, चॉकलेट के बहाने लेके गया था वो। आ तुम्हें अस्मा तुम्हें चॉकलेट लाता हूँ। हाँ। तो और बच्चे बोले मामू हम भी चल रहे हैं। नुके फिर अब्दुल था अलीबाती के तीनों बच्चों को बिठाल के ले गया। कितनी उम्र थी बच्चों ये की? थी 8-8 साल की उम्र। हाँ, बच्ची बच्चे 8 साल की 8.5 साल की बिटिया बिटिया दो बेटी थी 8 साल की और एक बेटा है 8.5 साल का जो बेटा था जी जो लेके बहानों से गया था। कहाँ लेकर गए थे फिर कैसे कैसे? ये तो इन्हें पता थे जब मारने के टाइम पे ही बताया था धतूरी की तरफ कुंडी में मार के डाल दिए मिर्जापुर के आसपास जी। अच्छा। पिता हैं जो बच्चा बच्चे खत्म हुए दो बेटियां खत्म हुई इन्हीं की बच्चियां थी। क्या नाम आपका? बताइए। देखिए हमें बहुत दुख है, मैं उस वक्त उस दौरान भी आया था जिस वक्त में बच्चों की यहाँ इसी गेट के बाहर तीनों लाश रखी हुई थी और घर में तमाम जो लोग हैं वो रो रो कर बुरा हाल था। हाँ, क्या अभी पानी पिला दो भैया ज़रा, पानी बेटा पानी देना। आज भी क्या कोई कुछ धमकी हमकी किसी को दे रहे हैं? जी हाँ, धमकी देते हैं वहाँ से, जेल में से देते हैं क्या? जेल में से भी देते हैं, जहाँ से बिला वो नाम है सलमान नाम का वो भी देता है धमकी, कभी कुछ किसी चीज़ की पहुँचाता कभी किसी चीज़ की पहुँचाता, वो धमकी देने पे लगा रहता है। बेटा पानी दे तो भैया। अब ये बताओ बच्चे हाँ। तो हमारे चले ही गए, अब किस वहाँ से, कभी हमारा आदमी है अब परिवार है कभी इनको लेके जावे? हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए धमकियों को। हाँ। हमें तो कुछ नहीं चाहिए इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ फांसी चाहिए, फांसी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, जैसे मासूम मारे भाई साहब। हाँ, मासूमों को मार दिया। हाँ, जैसे मासूम हमारे तड़फाए हमें भी ऐसे फांसी चाहिए, बस हमारी यही मांग है। क्या वजह रही? खुलासा तो हुआ था उस दौरान भी, क्या? एक मिनट बहन, अभी आ रहा हूँ। हाँ, क्यों मारा था उन्हें, क्या कहा उन लोगों ने? वजह तो कुछ भी नहीं थी। हाँ, जितना मैंने उसे प्यार दिया है शायद उसे प्यार कोई उसके माँ बाप भी नहीं दे पाते। जो कातिल है, जो कातिल सलमान और बिलाल और इमरान मिर्जापुर वाला। हाँ, मैंने कि भैया ये तुम्हारा घर परिवार है और तुम जो तुमने पीछे किराम किए हैं जो गंदे ऐबों में है, मैंने हाथ जोड़ कर इन गंदे ऐबों को छोड़ दो, तुम्हारे माँ बाप तो हैं ही जैसे भी हैं, तुम जो कातिल बने हो इस सरकार जैसे बेचारे अपने जो प्रशासन है जितने भी कर्मकारी हैं, शायद अल्लाह ना करे कोई ऊंच की घटना हो जाए तो समाज में नाम बदनाम ही होता है, तो ना भाई साहब ऐसी कोई बात ना। तो रोजा खोलते वक्त भी मैंने कहा था सब बैठ जाओ, सलमान भी था और इमरान जो लड़का है उर्फ जो गूंगा था उससे मैंने कहा था मैं भैया टाइम ना 2 मिनट सारी रही है और सायरन होने वाला है बैठ जाओ तुम। तो बिलाल पलेट लगा रहा है, अब रोजा खुल गया सब काम हो चुके, मुझसे कहने लगे बिलाल, कहने लगा भाई साहब तुम्हें 2 आदमी बुला रहे हैं। मैंने बिलाल से कहा यार अब मैं क्या बता, नमाज यहाँ जमात का वक्त हो गया, शहरी वाले अपना रोज़ा खोल के चले गए, अब ये सलमान और जो इमरान लड़का था ये एक्टिवा लेके हमारे घर से थोड़ा सा जो साइड का जो रास्ता था वहाँ खड़े थे, जितने रिश्तेदार जाने वाले उन्होंने भी देखा और शायद कि अल्लाह की तरफ से मौत किसकी है तो बच्चों की ले ली बच्चों ने अपने ऊपर, तो वो वहाँ से आ गए। तो बिलाल ने डिब्बा भरा चावल का, जब यहाँ खा के तो उससे कहा उन्होंने डिब्बा भर के चावल का चला, तो मेरा एक मैं कहने लगा बिलाल किने ले जा रहा हूँ भाई साहब, कोई ना 2 लड़के खड़े हैं, मैं क्यों नहीं यहीं को लिया। अच्छा मुझे ये पता नहीं कि सलमान और बिलाल यहाँ से फरार हो गए हैं, वो सलमान और लौंडा इमरान जो था लड़का, मैं क्यों चले गए, मैं सर यहीं देखे हैं जब भीड़ बहुत थी आदमी बहुत था, चलो कोई बात नहीं। अब 9:22 पर कुछ 9:30 सब परिवार जब 10:30 चारपाई पर मेरी बिछ हुई थी बाहर, तो हमारी बहन और बहनों ही आए, इन्होंने अपने लड़के को तलाश किया, लड़का नहीं मिल पाया, तो मुझसे कह लगे बहनों वो मैं भी लेटा हुआ था, तो कह ले वो वहाँ छोटे भाई की तरफ जिसकी लड़की मेरे छोटा भाई है उसकी तरफ भी गए, नम्हा भी नहीं, फ़ोन चारों तरफ किए फ़ोन नहीं मिल पाए, ले ले लड़के जो बच्चे तीनों।
फिर मुझे उठाया फौरन, मैं तो नींद में था सारे दिन थका हुआ। तो फिर इन्होंने घूमे फिरे, मैं कहला यहीं होंगे कहीं, रिश्तेदारों पूछो। जब 11:30-12 बज गए फिर दिल नहीं रुक रहा, सब जगह फोन हो गए, भाई अल्लाह तू मेरा गवाह है। तो मैं जो हम भी घूमे साहब जहाँ तक घूमने कोशिश करी। अब वो छोटा भाई था हमारा इमरान और 3 लड़के और थे, उसके 4 जने थे कि 2-2 बाइकों पे। कहने लगे भैया सब जगह देख लिए नहीं मिले। जब रोजा खुलने का सहरे का वक्त ख़त्म हुआ तो मेरा अचानक रास्ते ही मेरे घबराहट ही खैर, मैंने रोजा खोला, इतना सा दूध पी लिया, मेरा हालत में कुछ नहीं चल रहा था। ये सब परिवार का रोया कान में मच रही थी, हमारे जो रिश्तेदार वो भी रो रहे, ये बहन भी रो रही, ये भी रो रही, इसकी बेटी थी, ये सब अचानक गायब हो गए, किसी को पता नहीं चल पा रहा। जी जब सुबह का टाइम हुआ 4 बजे, मेरी मुपेरी बहन है जाफर नाम उनका, वो हाथ कर दी खेतों में जंगलों में सब में देखा। तो उससे मुझे मिले कुरकुरे, मुझसे आखिरी उनने जब मुझसे छुपा के मेरी गोदी से आई, अबू मैं कि उसके हाथ में कुरकुरे थे। आपकी बड़ी बेटी ने रोजा रखा था? हाँ जी हाँ जी हाँ, उसका नाम था, उससे बड़ी थी, 2 साल बड़ी हो। हाँ। अरे रुकैया ने रोजा रखा था। हाँ। वो छोटी थी, 2 साल 2-3 साल की छोटी। हाँ। बड़ाई जब मैंने देखा वो जहाँ से लेके गए हैं उसके हाथ में तो कुरकुरा, वो तो मैंने भी देखा था जब मेरे सामने लाई हो, वो कुरकुरा जब मैंने देखा उस सड़क उस पर घास में चिला हुआ जहाँ से वो ले गए पटिया से, फिर मैं उस पर साहब उस पर फिर रुका ना गया। तो बता रहे थे कि बिलाल जो है वो आपके साथ में ढूंढवा रहा था रात 12 बजे तक। बिलाल ने 12 बजे तक 11:30 पूरी खबर तो वही देता रहा। अच्छा। हटके सुनो, पूरे बच्चों को खबर उन्हें इतला देता रहा। एक मिनट, बिलाल, सलमान और उनका एक दोस्त, वो तीनों बच्चों को यहाँ से कुछ खिलाने के बहाने लेकर चले जाते हैं और दोनों बच्चों को अपने साथ में, सलमान और जो उसका एक साथी था वो अपने साथ में रख लेते हैं, जंगल में ही कहीं दुबक जाते हैं, कहीं छिप जाते हैं। वहीं जो बिलाल था, परिवार वालों को शक ना हो जाए, वो फिर से वापस घर आ जाता है। बहुत सारे मेहमानों की यहाँ पर आवाजाही उस दिन लग रही थी, बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, तो एक दूसरे का जल्दी से ध्यान नहीं हो पा रहा था कि कौन कब चला गया, कौन आ गया। बिलाल यहाँ पर जब आ जाता है और जब बच्चों की ढूंढ खकोड़ शुरू होती है तो परिवार के साथ में ही उन बच्चों को ढूंढवा रहा था, खोज रहा था, परेशान हो रहा था, बार बार इनसे कह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे उठा के ले गया हो। मगर इन्हें उस वक्त तक, दूर तक भी ये शक या सुबह नहीं था कि जो बिलाल इनके साथ में घूम रहा है, जो कातिल है, वो इनके बच्चों का कातिल है। वो इतना शातिर माइंड था क्योंकि पहले भी वो कई सारे क्राइम कर चुका था, तो उसको मालूम था कि मुझे किस तरह से ये क्राइम करना है और जो परिवार वाले हैं उन्हें शक भी ना हो, इसी वजह से शायद जो है वो इनके साथ ढूंढवा रहा था। उसके बाद फिर जब बच्चों की लाश आपको मिल जाती है कुंडी में, जो 12 की कुंडी होती है वहाँ से लाश को आप बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? जब वो बच्चे कुंडी में मिले हमें, आवाज़ गूंज गई सब जगह, पता लग गई भाई बच्चे कुंडी में पड़े हैं कि पता नहीं मर हुए किसके पड़े हैं। तो हमें जब पता लगे, हम पूरा परिवार जो अपने मोहल्ले वाले सब भागे दौड़े, वहाँ गए दौड़ा तो देखा था बच्चे कुंडी में मिले हैं। तो जब कुंडी से बच्चा निकाला तो मैंने बिलाल से कहा, उससे बिलाल से, बिलाल तुमने ये बहुत गलत काम किया है। बिलाल ने कहने लगा, ना भाई साहब मैं साले की नस्लों को ख़त्म कर दूंगा। अच्छा सलमान नाम का जो लड़का है उस बहुत आगे से पूरा पीछे से ही बदमाशी जिसे कहते हैं क्राइम करा हुआ, बच्चों भी उठाए हैं उनने, कत्ल भी किए हैं वहाँ, जो उसकी हमें पता लगी ही, यानी गाँव में भी उन्होंने गोली चलाई ही और यहाँ कालाम पे भी कोई दुकान पकान उसने हादसा किया है, मतलब ये तो पूरा 1.5-2 महीने से यहाँ पूरा जाल बिछा हुए थे। मैंने कराया था मकान का लोन। हाँ। मैंने जब मकान का लोन किया था तो ये बिलाल ने हमारे साथ में गद्दारी की थी।
कितने पैसे आपको लोन में? 15 लाख रुपए मैंने लोन लिया था सिंडिकेट बैंक से, केरला जो दोनों। कोई बात नहीं, बिलाल ने देख लिए थे? हाँ, बिलाल ने मेरे खुद पैसे देखे थे, मैं आधे पैसे लाया था, आधे रह गए थे, तो बिलाल यहीं था बैठक में अंदर, तो उसने फौरन खबर कर दी। रोजा अख्तियार से पहले पहले 3 दिन पहले उन्होंने कहा दिया, पैसा जो तुम लेगे ठीक है, यानी पैसा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अच्छा, वो पैसे 2-4-5 लाख रुपए तो उड़ गए, वो ले गए जैसे भी बात बनी। कौन ले गया? वो हो गए पैसे गुम। अच्छा। अब हाँ, अब उनमें से वो बिलाल आ, सलमाना, अब उनमें से फिगर देखे क्या नाम लेते। जब भीड़ भाड़ में उन्होंने जब एक दो दिन पहले आ रहे ना, तो 4 दिन से थे सारे, जब हम बिल्कुल किसी। अच्छा, जब वो लेकर बच्चों को चले जाते हैं, बच्चों को मार भी दिया जाता है, उसके बाद वो पकड़े भी जाते हैं। पुलिस ने बहुत तेजी के साथ में ये काम किया, तीनों को पकड़ भी लिया, और पकड़ने के बाद में उन्होंने जो खुलासा किया था उसमें क्या कहा था कि बच्चों को क्यों मारा? उन्होंने खुला किया जी, प्रशासन को जितने मैं अपनी तरफ से उन्हें विचारों को सम्मान देता हूँ, बहुत अच्छे लोग थे जितने भी एसपी साहब थे उस वक्त पे। हाँ। उस वक्त का प्रशासन ने कहा था, उन्होंने जो हंगवाया था और सच बात दो आई थी, पैसे की आई थी, बस पैसे की आई थी। हाँ, पैसे भाई, बच्चों को उनके माँ बाप से हमारी छेड़ नहीं, कोई हमारा कोई उन्होंने की गलत कोई पहले वो हादसा कर देते हमारा, नुकसान नफा तो उनका। जब आप बैंक से पैसे लेकर आए थे, बिलाल ने पैसे देख लिए? हाँ, बिलाल तो बिलाल भी था, सलमान भी था। और वो पैसे चाहिए क्यों थे उन्हें? उन्हें ये चाहिए थे, हमारे जो बात पल्ले पड़ी थी जो प्रशासन के ध्रुव क्या उनके उनके मुंह से आवाज की, ये था कोई जो किराम का वकील को देने थे पैसे। हाँ, तो वकील को पैसे किसी कारण था जो बच्चा उठाया था उसने, वकील को 5 लाख रुपए जो देने थे, अब उनके पास पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था, क्योंकि सलमान और जो बिलाल हैं वो जेल से छूट कर आए थे जमानत पर, और फिर से कोई उनके ऊपर ऐसा केस लग जाता है जो, क्योंकि आए दिन वो कुछ ना कुछ क्राइम करते रहते थे, उनकी नस नस में क्राइम जो बसा हुआ था। बच्चा उठाया था दिल्ली से, बच्चा उठाया था। अच्छा, वो बच्चा जब दिल्ली से उठाया था, उसके माँ बापों ने उसके नाम की रिपोर्ट कर दी थी, ये बच्चा वो मार ना पाया तो भाग गया था वहाँ से दिल्ली से, जो उसके आसपास का लोग थे। उस केस को खत्म करने के 5 लाख रुपए देने थे, उससे मांगे थे तो 10। वकील तो वकील ने नहीं, सलमान बिलाल ने कहा था 10 लाख रुपए का ऑफर। वो तो बच्चों से, बच्चे के माँ बाप से मांगे थे उनके केस को खत्म करने के लिए, केस के। उसने सलमान ने कहा था बिलाल से, ऐसा बिलाल तुम इतना कर दो जो मेरा केस 5 लाख रुपए फाइनल हो जाएगा, कि वकील कह रहा खुद ही। वकील 5 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि जो तुम्हारे ऊपर केस लगा है उस केस को मैं खत्म करा दूंगा, तुम्हारे ऊपर जो बाकी के केस हैं वो भी सब खत्म करा दूंगा। वो फीस जो है 5 लाख रुपए की मांगते हैं। अब उनके पास पैसे नहीं थे, और इनके पास 15 लाख रुपए की जो लोन इन्होंने लिया था बैंक से, इस मकान पर अपने कारोबार पर जो लोन वगैरह लिया, उनकी जो आंखें हैं वो आंखें टिक जाती हैं कि जो पैसा है वो घर में ही रखा हुआ है तो बाहर क्यों करना, घर से ही पैसा ले लेते हैं। अब बिलाल कहता है कि भाई सलमान, दोस्ती तो मैं ज़रूर निभाऊंगा, मेरे जो परिवार के हैं उनके पास में ही पैसा रखा हुआ है, और उनके बच्चों को उठा लेते हैं और उनसे पैसा मांगेंगे, फिरौती मांगेंगे। मगर उन बच्चों ने पहचान जो लिया था, पहचानने की वजह से, क्योंकि चाचा लगता था, मामा लगता था, उन चाचा और मामा ने इसलिए उन बच्चों को मौत के घाट उतार दिया कि अगर इन बच्चों को हमने जिंदा छोड़ दिया तो ये बच्चे घर जाकर बता देंगे कि हमने इन्हें किडनैप किया। यही बात थी, यही बात थी। रिपोर्ट मारी हो, मतलब गंदा कोई ऐप तो नहीं किया? वो डॉक्टर की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा नहीं शायद है, जो डॉक्टर साहब ने लिखा नहीं है रिपोर्ट, लेकिन हाँ दबा दिया है वो केस। अच्छा। लेकिन बलात्कार है लड़कियों का, ये टांगे लड़के के बंध रही है भाई साहब, लड़के की पैंट उतार के लड़की की टांगे बांध रखी है, पैंटों से लड़की की पजामिया उतार के लड़के की टांगे बांध रखी है, लड़की नंगी भाई साहब, बहुत बुरा हाल करा। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, बस यही मांग है हमारी सरकार से, हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे मासूम तड़पाए, हमें बस यही इंसाफ चाहिए। आप सरकार से यही चाह रहे हैं कि हम वो तीनों अब भी हमें धमकी देते हैं। हाँ। जेल में से और मारने की धमकी देते हैं, लेकिन हमें इतना डर है कि हम ताले लगा के अपने घर पर सोते हैं, लेकिन पुलिस को हम अपनी हिफाजत के लिए रख रहे हैं। हमारी यही योगी जी से निवेदन है कि हमारे बच्चों को फांसी, मतलब उन्हें
जो आपके बच्चों को जिन्होंने मारा है हाँ, उन्हें फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा। हाँ हाँ वाकई। खैर बच्चों की लाश मिल गई, बच्चों के जो शव थे वो जो लड़कियां थी, दो बेटियां थी उसमें, दोनों के शव जो हैं वो अर्धनग्न थे, और जो इनका बेटा है उसकी भी पैंट उतार कर उन बच्चों की टांगों को बांधा हुआ था, वो बुरी तरह से लगभग अकड़ चुके थे। फिलहाल जो परिवार है दहशत के साए में जीने को मजबूर है। जिस तरह से योगी सरकार में बुलडोजर का काम चल रहा है और बुलडोजर अपनी बखूबी ड्यूटी निभा रहा है, इन बदमाशों के घर पर अभी तक भी बुलडोजर नहीं पहुंच पाया है, और शायद इसी वजह से उनके दिल में ये खौफ नहीं है कि इन्हें धमकी ना दी जाए, इनको डराया ना जाए। ये शाम होते ही इस गेट में ताला लगा लेते हैं। ताला लगा के सोते हैं? ताला अंदर का लगा लेते हैं हम। हाँ हाँ हमारे हैं जी, सफर में भी चलने में डर है। हाँ हमें डर है सफरों में चलने। कहाँ शादी हुई है आपकी? बरारी। आपकी यहाँ की बेटी है ना? हाँ बेटी। नहीं इसका बेटा है। हाँ यहाँ की ये तो बेटी है। हाँ मैं बेटी हूँ यहाँ, अभी फिलहाल आई हुई है। हाँ हाँ लेकिन हमारे। अब देखते हैं कि योगी बाबा का बुलडोजर वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो क्या आगे का कदम उठाएगी। फिलहाल पीड़ित परिवार आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। अब देखते हैं कि इन लोगों को फांसी होती है कि नहीं होती है। सहयोगी मोती लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।